Hello students, today I am going to teach you social science subject and revision है आपको दे रही assignment समझो या revision समझो मैं दे रही हूँ exam के लिए आपको अच्छी तरह learn करना है और find out करके उसे जब question paper दिए जाए तो अपने को अच्छी तरह learn करके answer उसे learn करके और अब मैं उसके answer लिखने हैं। आपको क्या करना है, लर्न करना है, कोई कॉपी नहीं करेगा और आंसर लर्न करके लिखने हैं। ओके, नाउ आई स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो इच क्वेश्चन एंड राइट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। नंबर वन, फॉर विच टाइप ऑफ सारीज इज पाटन फेमस? बांधनी, कांजीवरम, पटोला या तो क्या है बनारसी। नंबर वन है फॉर विच टाइप ऑफ सारीज इज पाटन फेमस, ए बांधनी, बी कांजीवरम, सी पटोला एंड डी बनारसी। क्या है, कौन सा आएगा अपने को, यहाँ पर लिखेंगे पटोला तो यहाँ आंसर आएगा इसका है जो कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर है सी, यहाँ लिखेंगे सी। ओके, नंबर टू, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर? ए चावड़ा, बी वाघेला, सी सोलंकी एंड डी प्रतिहार। हमारा राइट आंसर है चावड़ा। द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी तो चावड़ा, द चावड़ा जो रूलर्स था ऑफ डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर क्या है वो चावड़ा। नंबर थ्री, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड वनराज चावड़ा बिल्ड अ न्यू किंगडम? जो बैंक्स ऑफ द है किस रिवर किस हो उसमें वनराज चावड़ा ने क्या उस पे बिल्ड अ न्यू किंगडम बनाया, वो कौन सी नदी के किनारे बनाया था? ए सरस्वती, बी खारी, सी रूपेन एंड डी बनास। योर राइट आंसर इज सरस्वती। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इज ए, सो वी राइट हियर ए। नंबर फोर, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात आफ्टर द चावड़ा डायनेस्टी? ए वाघेला, बी सोलंकी, सी राठौड़ एंड डी चौहान। आवर राइट आंसर इज सोलंकी। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इज बी, सो वी राइट हियर बी। नंबर फाइव, ड्यूरिंग हुज रूल डिड स्कॉलर इन ब्रैकेट कल्लिका सर्वांगन हेमचंद्र आचार्य लिव? ए कुमारपाल, बी सिद्धराज जयसिंह, सी भीमदेव सोलंकी एंड डी मूलराज सोलंकी। अवर राइट आंसर इज सिद्धराज जयसिंह। नंबर सिक्स, ड्यूरिंग हुज रूल डिड अनहिलवाड पाटन कम टू बी नॉन एज विद्या धाम? ए सिद्धराज जयसी, बी कुमारपाल, सी अजयपाल एंड डी मूलराज सोलंकी। अवर राइट आंसर इज सिद्धराज जयसी। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इज ए, वी राइट हियर ए। नंबर सेवन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग वॉज गुजरात प्रॉपर्टी एट इट्स एपेक्स
A. Ajaypal, B. Bhimdev, Bhimdev Solanki, C. Siddharaj Jaisi, and D. Kumar Pal. Its right answer is Kumar Pal. Its corresponding letter is D. So we write here D. Number 8. How many kings of the Solanki dynasty later renounced the thrones to become hermits? A. 7, B. 4, C. 5, and D. 6. इस राइट जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है लेटर है 6, तो यहाँ D है जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर, तो यहाँ लिखेंगे D. नंबर 9, इन विच सिटी वॉज रानी की वाव कंस्ट्रक्टेड? ए वडनगर, बी पाटन, सी जूनागढ़ एंड डी वडोदरा. इन विच सिटी, तो पाटन, रानी की वाव कहाँ कंस्ट्रक्टेड की गई है? इन पाटन. सो आवर कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इज बी. सो वी राइट हियर बी. रानी की वाव कहाँ पर की गई है? पाटन में. नंबर 10, हु बिल्ट द रानी की वाव? रानी की वाव किसने बनाया? ए रानी भानुमती, बी क्वीन मदर राजमाता मीनल देवी, सी रानी उदयमती, डी रानी नयकी देवी. अवर राइट आंसर इज रानी उदयमती. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इज सी. वी राइट हियर सी. नंबर 11, व्हाट इज द नंबर ऑफ द लेवल्स ऑफ रानी की वाव? ए 7, बी 9, सी 6, डी 5. ए 7 है. नंबर कौन सा है जो लेवल्स पे है रानी की वाव? 7. तो इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ए है. यहाँ लिखेंगे ए. 12, ऑन हुज इंस्ट्रक्शंस वेर मालव मलाव है जो मलाव लेक जो आया हुआ है, जो किसने बनाया था? राजमाता मिनल देवी ने. उसे मलाव लेक बोलते हैं. मलाव लेक इन ढोलका एंड मुनसर लेक, मुनसर लेक इन वीरमगाम, कंस्ट्रक्टेड बाय सिद्धराज जेंसी. ऑन हुज इंस्ट्रक्शन, किसके कहने पर मलाव तालाब बनाया गया था? ए रानी उदयमती, बी क्वीन मदर राजमाता मीनल देवी, सी रानी रूपमती एंड डी सिद्धराज जेंसी. अवर राइट आंसर इज क्वीन मदर राजमाता मीनल देवी. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इज बी. सो वी राइट हियर बी. नंबर 13, इन विच सिटी इन गुजरात इज सहस्त्रलिंग लेक सिचुएटेड? कहाँ पर आया हुआ है सहस्त्रलिंग तालाब? ए पाटन, बी जूनागढ़, सी अहमदाबाद एंड डी वडनगर. और राइट आंसर इज ए पाटन. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ए. वी राइट हियर ए. 14, हु सक्सेसफुली डिफीटेड शहाबुद्दीन गौरी? ए भीमदेव सोलंकी, बी सिद्धराज जेसी, सी रानी उदयमती एंड डी रानी नयकी देवी. अवर राइट आंसर इज रानी नयकी देवी. इस लेटर इज डी. सो वी राइट हियर डी. 15, हु एस्टेब्लिश्ड अहमदाबाद सिटी? किसने बसाया अहमदाबाद शहर? ए सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा, बी एम्परर शाह आलम, सी सुल्तान कुतुबुद्दीन एंड डी सुल्तान अहमद शाह. अवर राइट आंसर इज
क्या है अपना, किसने बसाया अहमदाबाद, सुल्तान अहमद शाह, इट्स लेटर इज डी, सो वी राइट हियर डी. 16 बाय विच नेम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नॉन ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड. ए विश, बी पंथक, सी मंडल एंड डी जान. आवर राइट आंसर इज मंडल. सो इट्स लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर सी, सो वी राइट हियर सी. नंबर 17, द फेमस टेम्पल एट सोमनाथ ड्यूरिंग सोलंकी एरा वॉज प्राइम सेंटर ऑफ विच रिलीजियस सेक्ट. ए शैवा, बी जैन, सी वैष्णव एंड डी स्वामी नारायण. आवर आंसर इज शैवा. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इज ए, सो वी राइट हियर ए. 18, विच वॉज द फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर वैष्णवास इन द सोलंकी पीरियड. ए अंबाजी, बी सोमनाथ, सी पाटन, डी द्वारका. आवर राइट आंसर इज द्वारका, सो वी राइट हियर डी. 19, इन विच सिटी इन गुजरात इज द सन टेम्पल सिचुएटेड. कहाँ है वह सन टेम्पल? ए पाटन, बी जूनागढ़, सी वडनगर एंड डी मोढ़ेरा. सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन मोढ़ेरा. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इज डी, सो वी राइट हियर डी. 20, वेर इज विमला वसही टेम्पल सिचुएटेड. ए आबू, बी अंबाजी, सी पालीताना, डी जूनागढ़. इट्स राइट आंसर इज आबू. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ए है, सो वी राइट हियर ए. 21, वेर इज द फेमस कीर्ति तोरण सिचुएटेड इन गुजरात. ए पालीताना, बी मेहसाना, सी वडनगर एंड डी गांधीनगर. अवर राइट आंसर इज वडनगर, सो वी राइट हियर सी. 22, फॉर हाउ मेनी इयर्स अप्रोक्सीमेटली डिड द राजपूत डायनेस्टीज रूल ओवर गुजरात ड्यूरिंग द मेडिवल एज. ए 450, बी 560, सी 650 एंड डी 750. आवर राइट आंसर इज बी 560. इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इज बी, सो वी राइट हियर बी. क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स और नंबर्स. नंबर 1, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर. नंबर 2, विथ द सीजन द विंड ऑल्सो चेंजेस इट्स कोर्स विच इज द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियाज क्लाइमेट. तो क्या है, सीजन से क्या होता है, चेंजेस होती है. स्पेशल जो फीचर होता है इंडिया का क्लाइमेट जो है, वातावरण बदलता है. किससे बदलता है? सीजन चेंज होने से. तो 2 नंबर, विथ द सीजन द विंड ऑल्सो चेंजेस इट्स कोर्स विच इज द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियाज क्लाइमेट. नंबर 3, एज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंपेरेटिवली
nearer to equator, it does not experience much cold. Number 4, India experiences dash season during March to May. इंडिया में क्या है, मार्च और मई में कौन सी सीजन बैठती है, हमें किस चीज का फील होता है, समर सीजन ड्यूरिंग मार्च टू मई इज अ वेरी फाइन नंबर डैश इज अ वेरी इम्पोर्टेंट सीजन फॉर इंडिया. तो सबसे अच्छी सीजन को सभी सीजन अच्छी है. मॉनसून इज द वेरी इम्पोर्टेंट. अगर बारिश ना हो तो क्या हो, तो मॉनसून इज अ वेरी इम्पोर्टेंट सीजन फॉर इंडिया. नंबर 6, मलबार के ब्लैंक्स में लिखेंगे, मलबार कोस्ट ऑफ केरला रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. तो क्या लिखेंगे, यहाँ मलबार लिखेंगे, मालाबार इज अ वेरी मालाबार कोस्ट ऑफ केरला रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. The number 7, the people of North India mainly do farming. खेती करते हैं जो North India के जो रहने वाले हैं, वो लोग क्या है, उनका occupation धंधा क्या है, खेती है. Number 7, the people of North India mainly do farming occupation. Number 8, the river Ganga has made fertile triangular near its mouth. The river Ganga has made क्या है, उसका जो fertile जो उसकी फलद्रुपता है वो क्या है, triangular plains near its mouth. नंबर 9, डैश प्रोजेक्ट इज देयर ऑन महानदी. क्या आएगा यहाँ पर, हीराकुड. हीराकुड जो है प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है ऑन महानदी. नंबर 10, डैश लेक is located in Andhra Pradesh. तो कहे वो है कोलेरू. कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. नंबर 11, नल सरोवर इज लोकेटेड इन डैश स्टेट. नल सरोवर इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट. नंबर 12, ड्यू टू नर्मदा प्रोजेक्ट डैश लेक इज फॉर्म्ड इन गुजरात. क्या है, सरदार जो प्रोजेक्ट हो रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो वो है प्रोजेक्ट सरदार लेक इज फॉर्म्ड इन गुजरात. नंबर 13, मिनरल्स रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. यह आएगा मिनरल्स रिसोर्सेज आर द क्या है, बैकबोन के लिए ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. नंबर 14, फ्लोर्स पर मिनरल इज यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज. नंबर 15, इज द ट्राइंगुलर प्लेन्स ऑफ द गंगा. क्या है वो, कौन सा है प्लेस है, तो वो है सुंदरबन. 15, सुंदरबन इज द ट्राइंगुलर प्लेन्स ऑफ द गंगा.
Number 16. Devdar is the tree of conifers forest. क्या है जो देवदार is the tree of coniferous forest. Number 17 is made from the wood of Sundari tree. तो किससे बनाई जाती है? बोर्ड से बनाई जाती है, वुड लकड़ी से. तो what is made from the wood of Sundari tree. Now 18 number artistic things like baskets, mats, toys are made of कैसे बनती है? कैन वुड से बनती है. क्या है यहाँ 18? आर्टिस्टिक थिंग्स लाइक बास्केट्स, मैट्स, टॉयज आर मेड ऑफ किसे बनाई जाती है? कैन वुड. नंबर 9, टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम क्या है? चीड जूस से बनाई जाती है. टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम चीड जूस. नंबर 20, कैटेच्यू इज गॉट फ्रॉम कैटेच्यू वुड. 21, एलिफेंट इज द ह्यूज एनिमल इन मम्मल्स ऑफ द लैंड. नंबर 22, वाइल्ड एस जो गधा होता है जंगली, आर फाउंड इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ इन गुजरात. तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ? स्मॉल डेजर्ट. 23, इन इंडिया डैश आर फाउंड ओनली इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. यहाँ लिखेंगे वाइल्ड एस जो जंगली गधे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? छोटे रण में जो डेजर्ट है कच्छ का, वहाँ पाए जाते हैं. 24, क्या है 24? क्वेश्चन 3, पुट अ टिक मार्क राइट इन द बॉक्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ दे आर ट्रू एंड अ क्रॉस मार्क क्रॉस इफ दे आर फॉल्स. नंबर 1, द ज्यूडिशरी ऑफ अवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड अनबियस्ड. क्या है ये? राइट है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट. 2, वी गेट क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस इन अवर कोर्ट्स. ये है रॉन्ग. 1, द ज्यूडिशरी ऑफ अवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड इज राइट. 2, नंबर वी गेट क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस इन अवर कोर्ट्स रॉन्ग. नंबर 3, द चीफ जस्टिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट रॉन्ग. नंबर 4, ओनली क्रिमिनल केसेस आर हर्ड बाय द तालुका कोर्ट्स इज ऑल्सो रॉन्ग. नंबर 5, एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट. 6, नंबर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड ओनली इन लार्ज डिस्ट्रिक्ट. ये क्या है? रॉन्ग. राइट हियर रॉन्ग. नंबर 7, द लोक अदालत एड टू द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स रॉन्ग.
And number, identify me and write my name in the blank. Number one, I pass through the middle of India. Topic of cancer. Two number, it snows regularly here, Shimla and Darjeeling. Number three, I am the longest river of India, Ganga. Number four, I am used to make ornaments, gold. Five number, I am well known as the state for white lions, West Bengal. Question four, answer the following question in one to two sentences. Number one, what is the symbol of judiciary in our country भी है, यहाँ पर जुडिशियरी लिखा हुआ है, वर्क अपने क्वेश्चन में लिखा है हमने पेपर में, व्हाट इज द सिंबल ऑफ जुडिशियरी इन आवर कंट्री, तो लिखेंगे ऑस्टिन द गॉडेस ऑफ जस्टिस इज द सिंबल ऑफ जुडिशियरी. नंबर टू, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. आंसर, द अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस जुडिशियरी इम्प्लीज द सिंगल हायरार्की ऑफ जुडिशियरी. द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, द हाई कोर्ट्स एट द स्टेट मिडल लेवल, the district courts and the taluka courts at the lower level. Number three, in which type of cases do the courts pass judgment? Answer, the courts pass judgment in the civil and criminal cases. Number four, how does Lok Adalat dispense justice or what is the function of Lok Adalat? Answer, Lok Adalat acts as the and finds mediator and finds solution for reconciliation, thereby it gives speedy and inexpensive justice. Number five, which court functions at the lower level? By what name are these courts known? The taluka courts function at the lower level. These courts are known as the trial courts. Number six, who is the head of all courts in a district? Answer, the district judge is the head of all courts in a district. Number seven, which is the highest court in the state? Answer, the High Court is the highest court in the state.